सो है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी गेमिंग चैनल APR गेमिंग में। और आज हम बताने वाले हैं कि एमटेन पार्टी के बाद इंक्यूबेटर में कौन सा कपड़ा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारी इंट्रो के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी गेमिंग चैनल में। और आज हम नए लीक्स और अपडेट्स के बारे में बताएंगे। तो पहला जो लीक्स है कि हमारे सामने निकल के आता है वो है एक पैरंग का स्किन, जिसका फ़ोटो मैं अभी आपको इसके ऊपर दिखा दूंगा। तो अभी ये वाला पैरंग का स्किन आपको टॉपअप इवेंट में आएगा और ये दिखने में बहुत ही अच्छा है। तो इसका कोई उतना भी खास इस्तेमाल नहीं है, वैसे इसका कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा होगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, जो है कि अगला आने वाला है हमारे ये इविल बनी का कॉस्ट्यूम, वो भी ब्लू कलर में। और ये तो बहुत ही बेकार सा कॉस्ट्यूम है, इसके ऊपर कोई भी पैसा खर्च मत कीजिए, क्योंकि ये कोई भी काम का नहीं। पहले वाला एल्फ वाला बंडल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है कि हमारा ये हेडसेट, ये हेडसेट ऑक्टोपस का जैसा दिखता है, ये फ्री में आएगा। ये ब्राज़ीलियन सर्वर में बोला गया है कि ये फ्री में दिया जाएगा। तो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे इसका यूज़ नहीं करोगे, फिर भी कोई बात नहीं, ये फ्री में जब आएगा ही तो ले लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है कि हमारा दो बंडल, ये बंडल एक ब्लू कलर का है और एक ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बंडल फ्री फायर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये इंडोनेशियन सर्वर में बताया गया कि ये आ सकता है। और ये बहुत ही अच्छे थे। और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। तो सभी को एक कन्फ्यूज़न है कि बीच वाला वो कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। तो अब देख सकते हैं बीच वाला वो सैंड कैसल कुछ ऐसा दिखता है। इसको फोड़ के हमें येलो वाला रिंग निकालना पड़ता है, येलो वाला रिंग मतलब येलो वाला और ग्रीन वाला रिंग। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक बंडल और वाइल्ड फायर बंडल। तो ये फिर से आने वाला है हमारी फ्री फायर में, और ये आएगा तो आएगा मैजिक क्यूब में आएगा। और जिन लोगों ने अब तक मैजिक क्यूब सेव करके रखी है, जैसे कि मैंने सेव करके रखी है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक शॉक बंडल का हेयर और वाइल्ड फायर का हेयर बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रिक शॉक बंडल का हेयर यूज़ करते हैं। और फायर भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी एनिमेशन की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कुछ होने वाला है, इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ नया कैरेक्टर, जिसका नाम मुझे अब तक नहीं पता, लेकिन मैं आगे ज़रूर बता दूंगा। और ये कैरेक्टर का एबिलिटी तो होने वाला है, मुझे पता है ये हैकर गैंग की जगह होगा, जैसे कि मोको की तरह, क्योंकि ये अपने रेडियस में जितने भी बंदे हैं उनको स्पॉट कर सकती है अपने एक्टिव स्किल के साथ। तो ये जिसको पता नहीं है कि हैकर गैंग क्या है, तो हमारे फ्री फायर नए OB22 के अपडेट के बाद एक एक गैंग स्टार्ट हुआ है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा बाद में। तो चलते हैं हमारी इंक्यूबेटर की तरफ। और इंक्यूबेटर बहुत ही मस्त है, आप देख सकते हैं इंक्यूबेटर का टीजर कुछ इस तरह से निकला है। और ये ब्राज़ीलियन सर्वर में कट चुका है, तो ब्राज़ीलियन सर्वर में जो इसमें भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं इंक्यूबेटर में ये टॉप वाला बंडल है। मैं आपको ये सबसे नीचे वाला बंडल है, ये लड़की वाला और ये लड़का वाला। तो जिसको लड़की वाला अच्छा नहीं लगता वो लड़के वाला ले सकता। और ये सेकंड वाले में एनिमेशन कुछ हैं, इसके शोल्डर्स पे एनिमेशन है, और ये लड़का वाला है, इसके भी शोल्डर्स पे एनिमेशन है। तो अब चलते हैं लड़की वाले मेन कॉस्ट्यूम को। मेन कॉस्ट्यूम में भी इस शोल्डर वाले में एक एनिमेशन है, और हेयर्स पे कुछ एनिमेशन है, और लड़के में भी हेयर्स में कोई एनिमेशन नहीं लेकिन शोल्डर में है। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं एक साथ, देखिए इसके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये लड़के वाला बंडल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा बंडल है, आप ले सकते हैं, इसके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और तो चलो आज के लिए ख़त्म, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।